नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपीसीजी सुपर फास्ट में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आइए खबरें देखेंगे सुपर फास्ट अंदाज में। सीएम भूपेश बघेल ने मोहन भागवत पर साधा निशाना। संघ सांस्कृतिक संगठन भागवत ने राहुल गांधी पर दिया था बयान। जगदलपुर में कांग्रेस का सम्मेलन, सीएम सहित दिग्गज नेताओं का जमावड़ा, विधानसभा चुनाव पर मंथन। बस्तर में कांग्रेस के सम्मेलन पर बीजेपी का निशाना। पूर्व मंत्री केदार कश्यप का बयान, बीजेपी पहले से बस्तर को समर्पित है। पूर्व मंत्री केदार कश्यप के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। सुशील आनंद शुक्ला का बयान, बस्तर में कांग्रेस की नहीं बल्कि भाजपा की स्थिति बद से बदतर। जेसीसीजे पार्टी के विलय या गठबंधन के सवाल पर कांग्रेस का तंज। सुशील आनंद शुक्ला का बयान, जेसीसीजे पार्टी तब थी जब अजीत जोगी जीवित थे, अब ये पार्टी कुछ लोगों का गिरोह बनकर रह गई है। जोगी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी का समर्थकों को पत्र, पत्र में पार्टी को लेकर इस हफ्ते निर्णय लेने की बात। कार्यकर्ताओं से कहा, आपका भविष्य उज्जवल रहेगा। रायपुर में मोबाइल टॉवर पर लगी आग, कबीर नगर की घटना, आग लगने के कारणों का नहीं चल सका पता। रायपुर में रेप का आरोपी गिरफ्तार, अश्लील वीडियो भी बनाने का आरोप, अपने फर्म में काम करने वाली युवती को बनाया शिकार। रायपुर में चोर ने बेडरूम में लगा रखा था सीसीटीवी, चोरी केस का पुलिस ने किया खुलासा, आरोपी के पास से 16 लाख के जेवरात भी जब्त। रायपुर में पटवारियों की हड़ताल का 19वां दिन, 8 सूत्रीय मांगों को लेकर कर रहे स्ट्राइक, राजस्व विभाग के कामकाज ठप। रायपुर में निकाले गए हाउसिंग बोर्ड के प्लेसमेंट कर्मचारी, पीड़ितों ने लिखा मुख्यमंत्री को पत्र, आंदोलन की दी चेतावनी। 7 अगस्त को भिलाई आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चरोदा में रेलवे के सोलर पार्क का भी कर सकते हैं लोकार्पण, पीएम के दौरे की जल्द तैयारी होगी शुरू। अंबिकापुर में पति ने की पत्नी की डंडे से पीट पीट कर हत्या, पुलिस ने मामला किया दर्ज, दरीमा थाना क्षेत्र के छिनकालो गांव की घटना। अंबिकापुर में कोर्ट के सामने फल बेचने वाले के साथ मारपीट, ठेला लगाने को लेकर विवाद, मारपीट का वीडियो वायरल। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल से कैदी फरार, मनेन्द्रगढ़ जेल से इलाज के लिए लाया गया था अंबिकापुर सेंट्रल जेल, कैदी वार्ड की सुरक्षा पर उठे सवाल। अंबिकापुर में ग्रामीण गंदा जीरिया का पानी पीने को मजबूर, बतौली ब्लॉक में पानी की टंकी बनी शोपीस, पानी टंकी का बोरवेल खराब। रायगढ़ में रामायण महोत्सव का दूसरा दिन, रामायण मंडलियों की प्रस्तुति, विदेशी से आई मंडलियां भी कर रहे मंचन। कोंडागांव में रेत माफिया के हौसले बुलंद, रेत परिवहन करते पकड़े गए 5 ट्रैक्टर, कार्रवाई के रेत माफिया में हड़कंप। कोरबा में शिकारियों की करतूत, जंगली जानवरों के लिए लगाए गए करंट वाले तार से फंसने से मवेशियों की मौत, जांच में जुटा वन विभाग। कोरबा में पानी के लिए चक्का जाम, ग्रामीणों के समर्थन में पहुंचे गठगोरा विधायक पुरुषोत्तम कंवर, बाकी मोगरा में चक्का जाम के बाद जागा एसीसीएल प्रबंधन, ग्रामीणों को दिया लिखित आश्वासन। कांकेर में ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत, एक शख्स गंभीर रूप से घायल, भानु प्रतापपुर दुर्ग रेल लाइन पर चपेट में आए दोनों युवक। धमतरी में जुए के अड्डे पर छापा, 5 आरोपी गिरफ्तार, 51,000 नकद जब्त। धमतरी में लूट के 3 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों में एक नाबालिग चाकू रॉड से हमला कर वारदात को देते थे अंजाम। सूरजपुर में घर में घुसा बेकाबू ट्रक, एक मासूम की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल, जगतपुर गांव की घटना। जांजगीर में नैला नगर पालिका में लापरवाही, सफाई के लिए स्विमिंग पूल का पानी निकालकर दिया खाली, हजारों लीटर पानी बर्बाद। कोरबा में हाथियों को भगाने के लिए किसानों ने खेत में लगाई आग, 25 से अधिक हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीण में दहशत, कटघोरा वन मंडल के केंद्रीय रेंज के पचरा गांव का मामला। गरियाबंद में मिला बम्बू पिट वाइपर सांप, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के जंगल में मिला ये दुर्लभ सांप, सांप को संरक्षित रखने का अभ्यारण्य में किया जा रहा प्रयास। गरियाबंद में पेड़ पर चढ़ा भालू, देखने के लिए जुटी लोगों की भीड़, गर्मी की तलाश में रहवासी इलाके में पहुंचे। बाबा महाकाल के दरबार में नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल ने की पूजा, बाबा महाकाल को अर्पित की 100 रुद्राक्ष की माला। 2 दिन के एमपी दौरे पर इंदौर पहुंचे नेपाल के पीएम, सीएम शिवराज ने इंदौर एयरपोर्ट पर की अगवानी, प्रचंड का हुआ भव्य स्वागत।
इंदौर में सीएम शिवराज का दिखा अलग अंदाज, नेपाली टोपी पहनकर किया प्रचंड का स्वागत, बोले भारत और नेपाल के संबंध और होंगे मजबूत। छतरपुर गौरव दिवस पर सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान, बनेगा नगर निगम छत्रसाल स्मारक बनाने की भी घोषणा। भोपाल में राज्यसभा सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे ने मोदी सरकार के 9 साल की गिनाई उपलब्धियां, बोले महंगाई क्या सूचकांक नहीं, ऊपर गैस सिलेंडर के दाम जरूर कुछ बढ़े, ये हम भी कर रहे हैं महसूस। मनोज मुंतशीर के भोपाल के नाम बदलने की मांग पर सियासत, कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी का बयान, सिर्फ नाम बदलने की राजनीति कर रही बीजेपी, विकास कार्यों पर नहीं है फोकस। मनोज मुंतशीर के भोपाल का नाम भोजपाल किए जाने की मांग पर मंत्री विश्वास सारंग का बयान, मेरी तरफ से भोजपाल नाम करने का रखा गया था प्रस्ताव, तत्कालीन यूपीए सरकार ने प्रस्ताव को किया था निरस्त। मंदसौर गोलीकांड पर सियासत, कमलनाथ के मंदसौर दौरे पर बीजेपी का निशाना, मंत्री विश्वास सारंग बोले लाशों पर सियासत करना कांग्रेस की पुरानी आदत। भोपाल में जेपी अस्पताल से मैटरनिटी स्टाफ 50 बेड काटजू अस्पताल में शिफ्ट करने का मामला, पीसी शर्मा का बयान, कांग्रेस करेगी विरोध। सीहोर में साक्षी हत्याकांड को लेकर पंडित प्रदीप मिश्रा का बयान, किसी के बहकावे में न आए बेटी। भोपाल में एमपी नगर में गुंडों का आतंक, शराब को लेकर भिड़े दो गुट, सड़क पर शराब पीने से मना करने पर हुआ विवाद। भोपाल में ढाबे पर शराब परोसने को लेकर कार्रवाई, 42 लोगों पर मामला दर्ज, 24 बोतल महंगी शराब जब्त। ग्वालियर में पिता की लाइसेंसी पिस्टल से युवक ने खुद को मारी गोली, मौके पर हुई मौत, मामले की जांच में जुटी पुलिस। उज्जैन में दिनदहाड़े चाकू की नोक पर नई कार और 3.5 लाख की लूट, पुलिस ने मामले को किया दर्ज, आरोपियों की तलाश तेज। दबो हिजाब मामले पर स्कूल प्रबंधन ने मांगी माफी, प्रबंधक हाजी मोहम्मद इदरीश का बयान, छात्राएं स्कार्फ या दुपट्टा स्वेच्छा के अनुसार पहन सकती हैं। दमोह हिजाब मामले पर सीएम के सख्त तेवर के बाद कड़ी कार्रवाई, गंगा जमुना स्कूल प्रबंधन ने हिजाब बंधन हटाया, लब पे आती है दुआ गीत भी नहीं गाए। हरदा में बकाया बिजली बिल की वसूली, बकायेदारों की काटी गई बिजली, विभागों से भी बिल जमा करने के लिए कहा गया। ग्वालियर में भीतरवारा थाने से चोरों ने पीओएस मशीन की चोरी, सीसीटीवी में हुआ खुलासा, कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा गया आरोपी। रतलाम के बार में बदमाशों ने कर्मचारी को मारा चाकू, गाने की फरमाइश पूरी नहीं होने पर हंगामा, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। छिंदवाड़ा में बीच सड़क पर फैमिली ड्रामा, पत्नी ने की पति की जमकर पिटाई, बरसाए बैंड। मंडला में ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर, मौके पर युवक की मौत, महिला घायल, ग्रामीणों ने हाईवे पर किया चक्का जाम। कूनो पार्क में चीतों के लिए जगह पड़ रही कम, चीते पवन के बाद अब माता चीता आशा पहुंची शिवपुरी, शिवपुरी वन रेंज में मिली लोकेशन, वन विभाग की टीम कर रही ट्रैक। ग्वालियर के धर्मेश्वर महादेव मंदिर में गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने की पूजा, प्रदेश के लोगों की खुशहाली की कामना, भीतरवारा में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। धार्मिक नगरी ओरछा का रामराजा लोक का पहला लोक आया सामने, कलेक्टर और अधिकारियों ने किया मंदिर प्रांगण का निरीक्षण, कलेक्टर ने प्रबुद्ध लोगों से मांगे सुझाव। भिंड 173 बच्चों का जन्म, डॉक्टर्स ने कराई नॉर्मल डिलीवरी, मां और बच्चे स्वस्थ। हरिद्वार में चेतन ज्योति आश्रम पहुंचे राज्यसभा सांसद विवेक तनखा, स्वामी ऋषि रानंद जी के किए दर्शन, हरिद्वार के अनुभव को बताया अविस्मरणीय। आगरमालवा के दौरे पर पहुंचे पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजुमदार, धार्मिक यात्रा पर नलखेड़ा पहुंचे, मां बगलामुखी मंदिर में की पूजा अर्चना। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय सहित प्रदेश के 13 सरकारी विद्यालयों में कर्मचारी आरडीवीवी ने 3 से 5 जून के बीच आयोजित परीक्षाओं को किया स्थगित। बैतूल में दिव्यांग युवती को शादी के झांसा देकर यौन शोषण, दूसरी लड़की से शादी करने जा रहा था आरोपी, पीड़िता ने की पुलिस से शिकायत, आरोपी फरार।
गुना के चाचौड़ा में प्रसाद देने के बहाने 8 साल की मासूम बच्ची से छेड़छाड़। मां सुशीला तपोवन आश्रम के बाबा पर लगा छेड़छाड़ का आरोप। गुस्साए ग्रामीणों ने बीनागंज बस स्टैंड पर लगाया जाम। मुरैना में घूरे घर पर कचरा डालने को लेकर दो पक्षों में विवाद। दो पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर बरसाए लाठी डंडे। दोनों पक्षों की महिलाएं समेत 7 लोग घायल। तरेनी गांव का मामला। बुरहानपुर के नेपानगर क्षेत्र के मझगांव में दो भाइयों ने पीट पीट कर ससुर को उतारा मौत के घाट। एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरा फरार। सास बहू के बीच विवाद में बीज बचाव करने पर हत्या। जबलपुर में वाहन चोर गैंग पर बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 15 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 125 चोरी की बाइक बरामद। उज्जैन के महाकाल लोक में फाइबर की प्रतिमाएं टूटने पर बढ़ी पत्थर की मूर्तियों की मांग। तेज आंधी तूफान में टूट गई थी फाइबर की मूर्तियां। ग्वालियर में छत्तीसगढ़ के राम वनगमन पथ के लिए बनाई जा रही मिंट स्टोन की प्रतिमा। हरदा जिला अस्पताल का स्वास्थ्य विभाग की क्षेत्र संयुक्त संचालक मीरा चौधरी ने किया निरीक्षण। अस्पताल के SNCU वार्ड में खामियां पाए जाने पर डॉक्टरों को लगाई फटकार। श्योपुर में चीतों के लिए कूनो नेशनल पार्क में कम पड़ती जा रही जगह। नर चीते पवन के बाद अब मादा चीता आशा भी कूनो से निकलकर शिवपुरी के जंगल पहुंची। वन विभाग वापस लाया।